हाँ बेटा, लेसन में क्या क्वेरीज हैं आपकी? कौन से लेसन में हैं? वस्त्र एवं परिधान के लिए डिजाइन कल देखा था आप लोगों ने, कल उसी में से पूछ रहे थे आप लोग। यस सर। ग्रे पैमाना पता है आपको क्या होता है? पैंटोन शेड गार्ड। एग्जाम से रिलेटेड मैं आप लोगों से पूछ रही थी कि आप लोगों को तैयारी किस तरह से करते हैं, आप लोग अपने आप को कैसे प्रिपेयर करते हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्या आपको किसी तरह का स्ट्रेस होता है एग्जाम के लिए? अब जैसे एग्जाम आने वाले हैं तो हमें किसी तरह की कोई टेंशन है? अगर है तो बताओ, थोड़ा उसका सॉल्यूशन करने के लिए सोचते हैं क्या किया जाए, आपके आपको क्या सॉल्यूशन दिया जाए। एग्जाम के टाइम में तो सभी बच्चों को बहुत स्ट्रेस होता है। यस मैम। हाँ तो बताइए क्या प्रॉब्लम आप लोग फेस कर रहे हैं। बताइए बेटा। कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरे पास तो बहुत इंटेलिजेंट बच्चे हैं ना, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। आज तो मैम ममता का एक ज्वाइन हो बार गया। राइट रिटर्न लॉ को समझा दो। क्या बेटा, ऑन करिए कैमरा। मैम रेड रिबन एक्सप्रेस में मैम एड से रिलेटेड गांव वालों को मैम प्रशिक्षित किया गया है। कैमरा ऑन करिए सभी और अपनी बुक सिखाइए। बुक के अंदर से पढ़िए अभी इसको, क्या क्या लिखा हुआ है उसके ऊपर। जनसंचार में ये कार्यक्रम चलाया गया था जिसमें कि लोगों को किस विषय में जागरूक करना था? एड्स एचआईवी से रिलेटेड जागरूक करना था, जिसके लिए आप ट्रेन चलाई गई थी कन्याकुमारी से। 9000 किलोमीटर तक उस ट्रेन ने सफर किया है और जगह जगह बहुत सारे जिलों में रुक रुक करके अपना पूरा वो प्रोग्राम चलाया है, सबको जागरूक किया है इस मामले में। 180 जिलों पे हॉल्ट स्टेशनों पर रोका है और वहाँ पर 43,200 गांव में एड्स की जागरूकता फैलाई गई, नुक्कड़ नाटक किए गए। इनकी अपनी टीम थी ट्रेन के अंदर, डॉक्टर्स थे ट्रेन के अंदर, चैम्बर बना हुआ था उनका जहाँ पर लोग जो है डॉक्टर को दिखा सकते थे। और जो वहाँ कर जिस जिस गाँव में वो रुकते थे वहाँ पर जितने भी लोग होते थे, मैम एक सेकंड पेज नंबर। आवाज आ रही है मेरी? यस मैम। यस मैम। तो जो वहाँ के स्थानीय लोग थे वो भी इसमें मदद करते थे, उन जो चलने वाली ट्रेन की जो टीम थी उसके साथ वो जो वहाँ के लोकल लोग थे उनकी वो टीम सब मिल करके लोगों को जागरूक करते थे। तो ये एक्सप्रेस चलाई गई थी, इसका नाम था रेड रिबन एक्सप्रेस। तो क्या उद्देश्य था इसका? केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय, केंद्रीय स्वास्थ्य यानी कि सेंट्रल जो हेल्थ मिनिस्ट्री है, सेंटर पूरे सेंटर की यानी कि पूरे देश की। एक होती है स्टेट की जो सिर्फ स्टेट का काम देखती है, सेंटर की होती है जो पूरे देश का काम देखती है। राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन नाको, नेहरू युवा केंद्र संगठन, यूनिसेफ और यूएन एड्स, इनके साथ मिलकर इनके सहयोग से, भारतीय रेलवे का सहयोग
और ये जितनी इंटरनेशनल एजेंसीज हैं इनके सहयोग से ये काम किया गया। आठ डिब्बों वाली इस प्रदर्शनी ट्रेन में पहले तीन डिब्बों में दृश्य व श्रवण के माध्यम से एचआईवी एड्स के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी दी गई है। तो पहले तीन डिब्बों में जो उन्होंने पोस्टर्स लगा दिए और वीडियोस चला दिए, वहाँ पर सारा वो एलईडी प्रोजेक्टर्स लगा दिए जिसमें कि लोग देख सकते हैं, सुन सकते हैं, ऑडियो विजुअल उन्होंने एड्स वहाँ पर रख दी, सुनाई भी देगा, दिखाई भी देगा। और इस डिब्बे में विस्तार से बताया गया है कि यह रोग विश्व में तथा भारत में कब और कैसे आया और इसकी रोकथाम कैसे की जाए। एक टाइम पे जब एड्स शुरू हुआ था तो बहुत ज्यादा फैला था, बहुत लोग एक दूसरे को भी फैला रहे थे, जागरूकता नहीं थी, लोग जानते नहीं थे, सेफ प्रैक्टिसेस नहीं थी, तो इसको फैलाया गया। कि आप लोग बता सकते हैं कि एड्स कैसे फैलता है? आप में से कोई बता सकता है कि एड्स कैसे फैलता है, कैसे होता है ये इन्फेक्शन? एचआईवी पॉजिटिव से होती है। एचआईवी पॉजिटिव तब होता है जब एचआईवी वायरस हमारे बॉडी में चला जाता है। ये वायरस मतलब उस व्यक्ति के संपर्क में, उस व्यक्ति के संपर्क से होता है से। तुमने ठीक से, तो तुम्हारी आवाज नहीं आई ममता, पर तुमने बोला है किसी को एड्स का इन्फेक्शन होता है एचआईवी का ऑलरेडी, तो उससे दूसरे को हो जाता है, तो उससे दूसरे को कैसे होता है यही मैं पूछना चाह रही हूँ। किसी एक को अगर इन्फेक्शन, मैम ब्लड से होता है, किसी का ब्लड किसी और में चले जाता है तो भी हो जाता है। हाँ ममता, क्या क्या बोला, कैसे होता है? मैं वर्षा बोल रही हूँ, अगर किसी का ब्लड किसी दूसरे में चला जाता है तो उससे भी बीमारी दीपिका, जाती है हाँ ब्लड की। दीपिका सुन लिया मैंने, ममता भी कुछ बोल रही थी, वो मुझे सुनना था, उसकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है। तो दीपिका तुम्हारा मैंने सुन लिया, ब्लड का ट्रांसमिशन होता है तो। हाँ ममता बोलो। खाने से होता है, और किसी के अगर किसी साथ खाने पीने से होता है? हमारे साथ खाने पीने से नहीं होता है बेटा एड्स, कभी भी साथ खाने पीने से नहीं होता ये इन्फेक्शन। मतलब जो ट्रेन में खा लिया, जो एक साथ एक प्लेट में खाना खा लिया, नहीं ऐसा नहीं होता, ये कोई कोल्ड कफ नहीं है जो किसी के झूठा खाने से हो जाएगा। कोल्ड कफ होता है जो आप दूसरे का झूठे खाने से थोड़ा उनका चम्मच यूज कर लिया या कुछ यूज कर लिया तो हो सकता है। एड्स से ये प्रॉब्लम नहीं है कि आप किसी का झूठा प्लेट में साथ में बैठ के खा लोगे या साथ में सो जाओगे, और आप तो ऐसा कुछ नहीं होगा। फैमिली मेंबर्स, उसको किसी आइसोलेशन की जरूरत नहीं है कि अलग कमरे में उसको रखा जाए, ऐसा कुछ नहीं है एड्स में। और मैम किसी के साथ संबंध बनाने से भी हो जाता है? हाँ किसी के साथ संबंध बनाने से हो सकता है, यानी कि जो बॉडी का फ्लूइड है वो दूसरे के साथ एक्सचेंज हुआ है। जो आपकी बॉडी का फ्लूइड दूसरे के साथ एक्सचेंज होना चाहिए, वो ब्लड की फॉर्म में भी हो सकता है, वो संबंध बनाने से भी हो सकता है। ठीक है, अब ब्लड कैसे होता है, कई बार अगर आपने डोनेट करने गए, आपको इन्फेक्शन है और डॉक्टर ने चेक नहीं किया है और वही ब्लड वो दूसरे को डोनेट कर दिया जाता है तो हो सकता है। आपने जो ब्लेड्स वगैरह, रेजर के ब्लेड्स आप लोगों ने अगर शेयर करे और उस ब्लेड पर ब्लड लग गया है और वो ब्लड एचआईवी इन्फेक्टेड है और वो आपकी स्किन के अंदर चला गया किसी तरह से, तो यानी कि अनहाइजीनिक प्रैक्टिसेस अगर यूज करी हैं। एक सिरिंज है किसी के, किसी और को लगाने के बाद किसी एचआईवी इन्फेक्टेड को लग गई है और वो दोबारा रीयूज कर रहे हैं, सिरिंज वैसे भी रीयूज करने को मना किया जाता है, तो ये कुछ तरीके हैं। माँ अगर इन्फेक्टेड है एचआईवी एड्स से ऑलरेडी हम बच्चा भी होगा तो वो बच्चे के अंदर भी आ जाएगा क्योंकि फ्लूइड एक्सचेंज हो रहा है। मैम जिस वन केस में काइंड फ्लू की तरह काम करता है, मतलब फैलता चला जाता है फिर ये? नहीं फैलता नहीं चला जाता है ये कोई कम्युनिकेबल डिजीज नहीं है जो फैलती चली जाए। कोल्ड कफ जैसा नहीं है जो एक को हुआ तो घर में मैम सबको हो फैलता जाता है। नहीं है, पर
है ना कि वो मतलब फ्लू की तरह ही है ना, फैलता तो है ना, वो एक दूसरे के थ्रू ही तो फैलता है वो। नहीं बेटा, यही तो मैं आपको बता रही हूँ कि ये फ्लू नहीं है, ये ऐसे एक दूसरे के साथ रहने से, उसके साथ गले लगने से किसी भी तरह से नहीं फैलता है। ये सिर्फ जब आपकी बॉडी का फ्लूइड दूसरे की बॉडी में चला जाता है तो ही कुछ होता है। आप उसकी प्लेट में खा भी सकते हो, आप उसे खाना ऑफर भी कर सकते हो, आप घर में एक आदमी को है तो सब लोग इकट्ठे सो भी सकते हैं, कोई उसे अलग से कमरा दे के अलग से आइसोलेट करने की जरूरत नहीं होती है। उसके बर्तन, उसके बिस्तरा, ये सब कुछ, ये कोई वो वाली प्रॉब्लम नहीं है जो बिल्कुल उसे छुआ छूत का रोग नहीं है। ये ना ये फ्लू है जो खांसी जुकाम से फैल रहा है। ये अगर बॉडी का, दो बॉडी का फ्लूइड अगर आपस में मिक्सिंग होती है किसी भी तरह से तो हो जाएगा। जैसे मैंने बोला, आपने सिरिंज सेम यूज कर दी, HIV इन्फेक्टेड वाली दूसरे में लगा दी, ब्लेड आपका उस ब्लेड कोई रेजर जैसे जेंट्स शेव करते हैं उसमें ब्लड लग जाता है, वही ब्लड HIV इन्फेक्टेड है और वो दूसरे ने भी यूज कर लिया और उसकी स्किन में किसी तरह का कट था जिसके थ्रू वो वायरस अंदर चला गया, तो तब हो सकता है। आप एक दूसरे के साथ यौन संबंध बनाते हैं, सेक्सुअल इंटरकोर्स करते हैं जिसमें कि फ्लूइड का एक्सचेंज होता है, या अगर वो वायरस है तो वो वायरस उसके अंदर बॉडी में चला जाता है तो वो हो सकता है। माँ के अंदर जो बच्चा है, अगर माँ इन्फेक्टेड है तो वो बच्चे को हो सकता है। अगर आप बहुत सारे लोगों से संबंध बनाते हैं जो लोग कंट्रोल नहीं करते हैं, सेक्स वर्कर्स के पास चले जाते हैं या एक के साथ लॉयल नहीं रहते हैं, तब उन लोगों को ज्यादा चांसेस होते हैं ये इन्फेक्शन पकड़ने के। यस मैम। ब्लड डॉक्टर ने मैम डोनेट कर मैंने दिया बिना चेक करे तो भी हो सकता है। हाँ बोलो। मैम मैंने सुना है जो टैटू बनवाते हैं, जो टैटू बनाने टैटू बनाने में वही बात हो गई ना कि उन्होंने निडल, अगर दूसरों दूसरे की निडल को यूज कर दिया आपकी बॉडी पर भी, तो हमको नहीं पता ना उसको कोई इन्फेक्शन था कि नहीं था, किसी और की स्किन डिजीज हमको लग सकती है, कोई भी है। नॉर्मल केसेस में भी यही बोला जाता है कि आप किसी और की, डॉक्टर्स को भी यही होता है कि सिरिंज यूज ना करें, जो ये टैटू बनवाते हैं इनको भी यही होता है कि ये लोग वही सेम निडल दूसरे के स्किन पर ना यूज करें, क्योंकि टैटू बनाने में भी क्या है कि आप निडल को प्रिक कर रहे हो बॉडी के अंदर, तो अगर कोई इन्फेक्टेड किसी और की इन्फेक्टेड है तो टैटू वाले को क्या पता, तो वो दूसरे पे भी अगर वो इसकी स्किन पे लगाएगा और उसकी स्किन में प्रिक करेगा तो ऑब्वियस सी बात है कि जिस भी तरह का, कोई भी तरह का इन्फेक्शन है वो जाएगा। इनफैक्ट जो स्मूचिंग होती है, किसिंग होती है, उसमें भी अगर बोलो कई लोग अगर सलाइवा या फ्लूइड एक्सचेंज करते हैं तो फिर चांसेस हो सकते हैं, डिपेंडिंग कि किसी को क्या इन्फेक्शन है। इन्फेक्शन तो किसी भी तरह का दूसरे को स्प्रेड होगा, लेकिन HIV कोई ऐसा वो वाला छुआ छूत वाला नहीं होता है, ना फ्लू जैसा होता है कि आप वो तुम्हारे साथ बैठा है तो उसका तुमको लग जाएगा, ऐसा नहीं होता है। एक्सचेंज बॉडी के फ्लूइड एक्सचेंज होने से ही वो होता है। देख लो आपकी इसमें, उसकी दवा नहीं है। हाँ उसकी दवा है ना, उसकी दवा है, लेकिन वो पता ही 10 साल के बाद चलता है आपको कब हो गया, आपको धीरे 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 वो आपकी इम्यूनिटी को खत्म करता है, तो वो पता लगने में ही, डिटेक्ट होने में ही बहुत टाइम लग जाता है। जब आपकी बॉडी की इम्यूनिटी खत्म हो जाती है तो आपको दूसरे रोग पकड़ना शुरू कर देते हैं, और जब दूसरे रोग पकड़ना शुरू कर देते हैं तो आप उन रोगों का इलाज कराने जाते हो डॉक्टर के पास, तो डॉक्टर को भी नहीं पता चलता कि आपको HIV हुआ है। आप वो तो दूसरे रोगों का आप इलाज मांग रहे हो, आप बोल रहे हो मुझे खांसी जुकाम हो गया है, मुझे और कोई पेट की समस्या हो गई या मुझे बालों की समस्या हो गई, आपको वो HIV का जब तक तो आपको पता चलता है वो थर्ड स्टेज आ जाती है, तो इसलिए पहले से ही प्रिकॉशन लेके चलना चाहिए। पता इसका बहुत देर से चलता है, तब तक आदमी काफी ज्यादा बीमार हो जाता है, तो ये क्योरेबल तो नहीं है, एक बारी हो गया तो हो गया, फिर वो तो जान लेकर ही जाता है, तो क्योर नहीं है इसका। आप इसे डिले कर सकते हो दवाइयां खा खा करके, लेकिन उसका क्योर नहीं होता है, इसलिए लोगों को प्रोटेक्शन रखने को कहा जाता है। लेकिन अब जो है, अब काफी एडवांसमेंट हो गई है, इसमें कई तरह के क्योर निकाले गए हैं, तो वो मैं चेक करके आपको बता दूंगी कि अब क्या लेटेस्ट डेवलपमेंट क्या है इसमें। पहले लोग क्या कर रहे थे, क्योंकि इसका क्योर बिल्कुल भी नहीं था उस टाइम पे, तो डिटेक्ट ही इतने साल के बाद, 10 साल बाद तो पता चलता है कि ये आपको हो चुका है और आप इस प्रॉब्लम की वजह से इतने ज्यादा बीमार हो, तो लोग क्या कर रहे थे, लोग अपना इन्फेक्शन औरों को फैला रहे थे,
क्योंकि जैसे आपको लग रहा है ना कि ये छुआछूत जैसा है और बैठने से साथ बैठने से ऐसे हो जाएगा, तो लोग उनको बड़े उन नजरों से देख रहे थे कि उनको अलग कर रहे थे अपने से। तो वो लोग क्या कर रहे थे, पहले एक टाइम पे था कि सिनेमा हॉल्स में वो लोग अपने ब्लड वाली सिरिंज छोड़ देते थे सीट पे बैठे, तो ऐसा बहुत कुछ आ रहा था कि आप ध्यान रखो, किसी से लिफ्ट मांगी तो उसको लिफ्ट बैठ करके उसको वो प्रिक कर देते थे निडल, या सिनेमा हॉल्स में निडल छोड़ दी वो दूसरे की बॉडी में इंजेक्ट हो जाएगी, कोई किसी ने अंधेरा होता है वहाँ लोग देखते भी नहीं बैठ गए, तो उस टाइम पे ये चीज़ शुरू हुई थी जब ये नया नया आया था, तो लोगों को अवेयरनेस नहीं थी तो लोग ऐसे ही उनको दूर रखने की कोशिश कर रहे थे, जिसकी वजह से लोग जाने क्या क्या सोचते हैं कि कैसे हो गया, कई बार किसी और का ब्लड मिलने से हो जाता है लेकिन लोग सोचते हैं अरे ये कैरेक्टर लेस है, इसने ना जाने के आके किसके साथ संबंध बना के आया, अच्छा आदमी नहीं है, तो लोग कई तरीके से स्टीरियोटाइप होकर के उनको दूर कर रहे थे अपने आप से, तो उस टाइम ये बहुत हुआ था। पर अब जो है थोड़ा बहुत इसमें एडवांसमेंट हो चुकी है, तो कर लूंगी कि क्या क्या और आ गया है। मैम इसके सिम्टम्स क्या होते हैं? इसके सिम्टम्स पता ही नहीं ना चलते बेटा, वो काफी साल के बाद जाकर के आपकी इम्यूनिटी जो बहुत कम हो जाती है तो आपको तरह तरह की बीमारियां पकड़ रही होती हैं, फिर जब डॉक्टर ब्लड टेस्ट करता है स्पेशली HIV टेस्ट करता है तब पता चलता है अलग। तो ये अभियान इसीलिए चलाया गया था ताकि लोगों को पता चले कि ये कैसे फैलता है और क्या है इसमें, असुरक्षित यौन संबंध बनाना, संक्रमित रक्त के चढ़ना, संक्रमित व्यक्ति द्वारा प्रयोग की गई सुई लगना, गर्भवती महिला जो संक्रमित हो उसके बच्चे को हो सकता है, और दूसरे कोच में उन्होंने ये बताया है कि व्यक्ति को घबराने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे व्यक्ति सामान्य लोगों की तरह ही नौकरी तथा रोजगार कर सकते हैं। वही मैं बोल रही हूँ कि उनमें कोई ऐसा छुआछूत जैसी प्रॉब्लम नहीं है कि लोग उन्हें अपने से दूर करें, तो सामान्य तरीके से नौकरी पर जा सकते हैं, लेकिन लोग क्या कर रहे थे, लोग उनको दूसरी नज़रों से देख रहे थे और उन्हें हटा दे रहे थे अपने पास से, और वो अपने परिवार के साथ भी रह सकते हैं। तो इस अभियान के थ्रू उन्होंने जो जागरूकता उत्पन्न करी लोगों के बीच में, इतने सारे कितने जिलों में गए थे, कितने जिलों में गए, कितने हजार किलोमीटर चली थी ट्रेन? 9,000 किलोमीटर चली, 180 जिलों में गए, कितने गांवों में गए? 180 जिलों में गए और 43,200 गाँव में गए। भेदभाव, रोगी के साथ जो भेदभाव कर रहे थे लोग उसको कम करना इनका उद्देश्य था, बीमारी के निवारण की जानकारी देना इसका उद्देश्य था, कैसे अब बचें, बीमारी से रोकथाम के बारे में बताना, कैसे उसे स्लो डाउन करें, उपचार क्या करें, और स्वास्थ्यप्रद आदतों तथा जीवन शैली के बारे में लोगों को जागरूक करना, यानी कि कैसे अपने आप को स्वस्थ रखो, कैसे सही से रहो कि आपको बीमारियां ना पकड़ें। कैसे रहेंगे सही से, स्वास्थ्यप्रद आदतें क्या रहेंगी? क्या रहेंगी? मैं एक बार सवाल दोबारा बोलना। मैंने बोला कैसे हम सही से रहें कि हमको जो है प्रॉब्लम ना हो, ये बीमारी ना पकड़े, हम क्या करें? मैम हम ध्यान रखें कि जब डॉक्टर सुई लगा रहा है तो हमें हमारी अलग से सुई लगाए ना कि वही वाली सुई यूज करें, और हमें जब हमें ब्लड लेते हैं, ब्लड लेना हो अगर कहीं से तो हम ब्लड बैंक से लें, क्योंकि ब्लड बैंक टेस्ट करके रखती है ब्लड। हाँ तो ये कुछ चीजें हैं। अगर शेविंग करवाते हैं तो वो करी कराई नाई से भी करवाते हैं ना लोग, नाई से जाके करवाते हैं, तो नाई का हमें क्या पता कौन सा रेजर में क्या ब्लेड यूज कर दिया उसने, तो आप उससे अपने सामने जो है ब्लेड्स वगैरह चेंज करवाने चाहिए, नया ब्लेड निकाले, नया यूज करे, किसी और का यूज ना करे, है ना। बहुत लोग जाते हैं वहाँ सलून में जाकर के करवाते हैं, तो वहाँ किसका वो क्या यूज कर देता है हमको क्या पता, ऐसे ही टैटू वाले का भी हमको क्या नहीं पता, तो हमारे सामने नई निकाले डब्बी में से पैक्ड चीज और नई चीज को यूज करे, ऐसे ही डॉक्टर भी हमारे सामने, जब भी कभी आपने देखा होगा कोई सिरिंज लगानी होती है हमारे सामने पैकेट को फाड़ते हैं सिरिंज के, तो इससे हमें श्योरिटी रहती है कि इन्होंने नया यूज करा है।
तो और असुरक्षित यौन संबंध ना बनाएं, जैसे जेंट्स होते हैं उन्हें कॉन्डोम्स यूज करने चाहिए, उसी से सुरक्षा हो सकती है दोनों की, लेडी की भी और जेंट्स की भी, तो दोनों को ही इन्फेक्शन नहीं पकड़ता जब वो सिक्योर तरीके से करते हैं तो। और बहुत सारे लोगों के साथ कांटेक्ट बनाना अवॉइड करना चाहिए। और बेटा और बोलो। सब कुछ आता है? भाई और कुछ पूछना है क्या? या क्लास ओवर करें? किसी की कोई क्वेरी नहीं है? आज मैं टेस्ट बना के भेज दूंगी, आप लोग टेस्ट अटेम्प्ट करेंगे। बहुत पुअर परफॉर्मेंस आ रही है आप लोगों की टेस्ट में, कर भी नहीं रहे हैं, बहुत कम बच्चे दे रहे हैं, और जो दे रहे हैं उनके भी गलत सलत आंसर्स हैं, तो ज़रा आप लोग ध्यान दीजिए। आपके इंटरनल असेसमेंट इन्हीं के बेसिस पर है। जो बच्चे रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे, मुझे नहीं पता वो कैसे अपने मार्क्स लगवाएंगे। कुछ पूछना है तो ठीक है, नहीं तो फिर ओवर करें।